तो गाइज मैं आज जहां खड़ा हूं इसको आने वाले टाइम के अंदर यानी गुड़गांव का जो ये लोकेशन है जहां आज मैं खड़े होकर आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं, ये एक सेंटर पॉइंट होने वाला है कुछ महीनों के बाद, आप मान सकते हैं कुछ साल के बाद आप मान सकते हैं, जैसे आप समझना चाहें, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से गुड़गांव का मेन जो मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेजर जो डेवलपमेंट आनी है वो यहीं से कनेक्टेड है। चाहे NH8 के थ्रू दिल्ली जाना चाहते हैं या NH8 के थ्रू आप जयपुर जाना चाहते हैं या इस रोड से आप डायरेक्ट SPR एक्सटेंशन या सोना जाना चाहते हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए द्वारका दिल्ली एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या यहाँ से न्यू गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो इस एरिया को सेंटर पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर, ठीक है, मेरे अगर मैं सामने देखूंगा तो ये है CPR रोड जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपके द्वारका एक्सप्रेस। राइट साइड में सेक्टर 36 आता है और उसके पीछे ग्लोबल सिटी की लैंड आती है 1003 एकड़ के अंदर। अगर मैं इधर लेफ्ट साइड की तरफ बात करूं तो जो ये खाली लैंड देख रहे हैं जितना भी जो ग्रीन एरिया है ये है यहाँ पे मेट्रो डिपो और सीही गाँव है ये, और सी गांव में 15 एकड़ के अंदर आपका बस स्टैंड ISBT जो गुड़गांव का जो इंटरनल जो ISBT है उसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे लैंड है वो पास हो गई है। तो मेजर जो ट्रांसपोर्ट है वो उसको भी बाहर ला रहे हैं गुड़गांव के अंदर से, और इस रोड के साथ कई ऐसी कनेक्टिविटी कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा ताकि आगे आने वाले जो समस्याएं अभी हम जैसे कि गुड़गांव में फेस कर रहे हैं वो यहां पे सोल्व हो जाएंगी। आ रहे हैं भाई द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से और जाना है गुड़गांव की तरफ तो आप इस वाले रोड से आप चले जाएंगे, अगर आपको जाना है SPR रोड तो आप सीधे चले जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ जिसके ऊपर ये जो रोड है ये डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, कहीं नहीं जाना है। तो आइए चलते हैं, मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, साइट के ऊपर जाके इसकी बात करेंगे कि मैं किस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ ये वीडियो है वो शेयर करने वाला हूँ और डिटेल से इसकी बात करेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पर आ रहा है हाई राइज अपार्टमेंट, लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसकी USP मैं आपको बता देता हूँ, ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, और इसी फ्लाईओवर के नीचे से 37D के लिए यूटर्न है स्पेशल AC सेक्टर के लिए। अगर आप आते हैं NHA की तरफ तो ऐसे यूटर्न लेके फिर इस सेक्टर के अंदर आएंगे। इसके फ्रंट में ये जो खाली एरिया है और जो ये आपका कमर्शियल जो प्रोजेक्ट बन रहा है इधर, तो इधर है ये 200 मीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कमर्शियल बेल्ट, और इसी कमर्शियल बेल्ट के जस्ट बैक साइड में ये जो 24 मीटर रोड है जो आप जो देख रहे हैं नीचे, ये जो 24 मीटर रोड के राइट साइड में आपका आता है कमर्शियल बेल्ट और इसके लेफ्ट साइड में आती है रेजिडेंशियल बेल्ट। 2 मीटर रोड है, अभी ये रनिंग रोड है जो बिल्कुल आगे जाता है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D जो कि सिग्नेचर ग्लोबल ने फ्लोर है वो लॉन्च किए हुए हैं, और यहाँ पे रामप्रस्ता के अंदर से अगर हम जाते हैं तो नवराज ने यहाँ पे लो राइज के फ्लोर 3 BHK और 4 BHK 2225 स्क्वायर फीट के लो राइज फ्लोर भी लॉन्च किए हुए हैं। फ्लोर्स को मीन नहीं कह सकते, उनको हम मिड राइज प्रोजेक्ट कह सकते हैं क्योंकि उसमें बेसमेंट स्टिल्ट पे पार्किंग एरिया है और उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर 5 फ्लोर तक है, साइज बड़े हैं। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल का मिलेनिया 4 जो अभी बन रहा है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट ईयर इसकी पोजीशन है वो हो जाएगी क्योंकि कुछ टावरों पे पेंट का काम है वो शुरू हो चुका है। तो मिलेनिया 4 यहाँ पे अफोर्डेबल का है और 2-3 और प्रोजेक्ट यहाँ पे हाई राइज अल्ट्रा के अंदर आने वाले हैं। आपको पता है कि चीज़ें बदल रही हैं और जो भी प्रोजेक्ट अब आगे देखने को मिलेंगे वो थोड़े से आपको डिफरेंट दिखेंगे बड़े टिकट साइज के, और जिसके इस प्रोजेक्ट के जो बैक साइड में जितना भी ओपन एरिया जो आप जो देख रहे हैं वो एरिया सारा ग्लोबल सिटी का एरिया आता है जिसके अंदर कमर्शियल रहेगा, 80% कमर्शियल रहेगा, और इसी ग्लोबल सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आज तक हमने सोचा भी नहीं है कुछ इस तरीके की यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो किए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट इस रोड का एक्सेस आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है और आप एक कमर्शियल बेल्ट के साथ भी एक्टिव हो, ग्लोबल सिटी के साथ भी हो, और यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, आप NH8 जा सकते हो, न्यू गुड़गांव जा सकते हो, एक्सटेंशन रोड जा सकते हो, चारों तरफ यहाँ पे सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो न्यू डेवलपमेंट है, पुरानी कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है हाई राइज प्रोजेक्ट, बगल में जब ये प्रोजेक्ट बनने लगेगा उस टाइम यहाँ पे लोग हैं वो बसना शुरू हो जाएंगे, सिग्नेचर के फ्लोर, सिग्नेचर सिटी, हाई राइज और लो राइज दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है,
और इस आसपास के एरिया में सबसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट यही आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और रहने के हिसाब से भी, क्योंकि आप डायरेक्ट एसेस हो जाओगे। और यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है 3 BHK और 4 BHK की, 3 BHK अराउंड 2400-2500 स्क्वायर फीट, 4 BHK अराउंड 3400-3500 स्क्वायर फीट का जाएगा। पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा है और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो उभर के आएगी। EY डेवलपर लेने लग गया है, आप ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि लोकेशन की ही प्रॉपर्टी होती है, लोकेशन अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, यूजेबल एरिया है, अच्छी चीज़ इसके अंदर। ज़्यादा डिटेल से अगर आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं तो आप अपने जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो गहराई से अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। थैंक यू।